तोड़ दी, कार तोड़ दी मेरी, दादी ने कार तोड़ दी मेरी। नहीं नहीं बेटा, दादी से गलती से हो गया। जानबूझ के तोड़ी हो या ना तोड़ी हो, कार तो तोड़ दी। पनिश करो दादी को। आया नहीं, दादी से जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है। दादी हो, दादी की दादी या दादी की दादी की दादी, दादी को पनिश करो। आयान, लेकिन इस सब की जरूरत नहीं है। पनिश कीजिए वरना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओके। याशी चुप नहीं हो रहा। फिर रुला दिया। चुप। दो मिनट के लिए एक बच्चा नहीं संभाला जाता आपसे। कहाँ लेके जा रहे? इधर दीजिए। अजय और माँ इधर आजा। ध्यान से। हाँ, गुड बॉय। रोते नहीं, हद हो गई। छोरे बच्चे को रुला दिया। देखा, बच्चे को भी पता होता है कि किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना। वैसे एक बात तो कंफर्म हो गई कि आपका सगा भतीजा आपको पसंद ही नहीं करता। पसंद तो तुम्हें भी नहीं करता। अच्छा, तो फिर ये मेरे पास आते ही चुप क्यों हो जाता है? तुम्हारी वजह से नहीं, ये उस वॉश बेसिन की वजह से चुप हो जाता है। जब भी तुम उसकी तरफ जाती हो ये चुप हो जाता है। दादी, बहुत गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी। ऐसे पनिश करते हैं। सिंसा, सिंसा। दादी, 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 सब ठीक है। तो आपके कहने का मतलब है कि अरमान मेरी वजह से नहीं बल्कि स्लांती वॉश बेसिन की वजह से चुप हो रहा है? हाँ। तो फिर जब मैं इसको आपके पास लेके जाती हूँ तो ये रोने क्यों लगता है? वो क्योंकि ये वॉश बेसिन से दूर हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ अरमान, ये कैसे हुआ? खाना पता नहीं, पानी कैसा है? सिंसा, क्या कर रही हो तुम? दादी को नहीं छुपा, अमन कुछ कर। बेटा, आयान, आयान। दादी को नीचे उतारो। अभी नहीं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। आयान, प्लीज। खबरदार, आयान, सॉरी। आयान बेटा, मान तो जाओ, अब उसी गलती हो गई। हाँ, मैंने मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था आयान। तुमने दादी के साथ जो बदतमीजी की उस आयान, आयान प्लीज, प्लीज आयान। Yeah.
कंट्रोल करेंगे इसे? आया ने पहला गुनाह कर लिया, अब बस दो और गुनाह बाकी हैं, फिर ये पूरी तरह से काला चिन्ह बन जाएगा। नहीं तावीज, आयान किसी पे गुस्सा कर सकता है लेकिन लेकिन चोरी कभी नहीं कर सकता। चोरी? हाँ अम्मी, काला जिन बनने के लिए इसे दूसरा गुनाह करना पड़ेगा, वो है किसी बेशकीमती चीज की चोरी। बेशकीमती चीज? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो आयान को चोरी करने पे मजबूर कर दे? जी हम अरमान को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए बस इसको देखने का मन था। अब बेटर फील हो रहा है। रेहान वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक सेकेंड। भाई प्रॉब्लम तो नहीं, पर अभी एक अजीब चीज हुई। क्या? अरमान ने वॉश मशीन के टैप से कुछ तो जादू किया, हमें बंद नहीं करने दिया। खान बाबा, इसका मतलब वो पानी वहां से आया था। पानी? कौन सा पानी? यहाँ पे आयान ने दादी को पनिश करने के लिए चारों तरफ आग लगा दी थी, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से पानी आया और वो आग बुझ गई। इसका मतलब अरमान को ऑलरेडी पता था कि आयान क्या करने वाला है। ट्विन टेलीपैथी, दोनों जुड़वा है इसलिए एक दूसरे के दिल और दिमाग को समझ सकते हैं, इसे ट्विन टेलीपैथी कहते हैं। मुझे लगता है कि अरमान हमें आयान की अगली हरकत के बारे में वार्न करने की कोशिश जरूर करेगा। भाई, भाई, साइमा, साइमा, प्लीज मुझे नीचे उतारो। आयान, आयान, प्लीज उसे नीचे उतारो। दादी कुछ कीजिए ना जल्दी। भाई भाई प्लीज मुझे नीचे उतारिए। साइमा, आयान, साइमा को नीचे उतारो। प्लीज कुछ जल्दी कीजिए, जल्दी मुझे नीचे उतारिए। बेटा प्लीज साइमा को नीचे उतारो। आयान क्या कर रही है? नहीं, जब तक मुझे ये नहीं बताएगी कि मेरा भाई कहाँ है, मैं इसको ऐसे ही लटका के रखूंगा, और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसको भी ऐसे ही लटका दूंगा। आयान, आयान साइमा तुम्हारी फूफी है, उनको नीचे उतारो प्लीज। बाजीगर, ये बर्ड कौन है? ये बाजीगर है, मेरा साथी। अभी तुम साइमा को नीचे उतारो वरना। फिर तो अरमान के पास भी एक साथी होगा। आयान, मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। अरमान कहाँ है? अरमान कहाँ है? वरना मैं इसको, वरना मैं इसको गिरा दूंगा। आयान, मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। साइमा को नीचे उतारो वरना। छोड़ दिया। ये अमीफा, तुम ठीक हो? ठीक है बेटा। सैमा, ठीक हो ना? शुक्र अल्लाह का। आयान बेटा मेरी बात सुनो, हम सब एक फैमिली है और फैमिली में किसी को हर्ट नहीं करते हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूं कि सब लोग मिलकर मेरा कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो मैं ले ही लूंगा, मिलेगा नहीं तो छीन लूंगा। बचा सकते हो तो बचा लो। तुम्हें लगता है ये जंगे मरमर अरमान की हिफाजत करेगा? नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही रंगोली बना रही हूँ, वो फेस्टिवल के फील के लिए, और बहुत दिनों से ना जिम नहीं गई थी तो सोचा ऐसे ही कैलोरीज बर्न कर लेती हूँ थोड़ी। जिस हिसाब से तुम खाती हो ना, तुम्हें तो सारा दिन कैलोरीज बर्न करनी चाहिए।
आपने अपनी शक्ल देखी आईने में? ऐसा लगता है आपने मुझे नहीं रखी बल्कि मूछों ने आपको रखा हुआ है। तुम मेरी मूछ। अरे हटिए जरा, अगर आपको मेरी हेल्प नहीं करनी है ना तो मत कीजिए, लेकिन मुझे मेरा काम पूरे सुकून से करने दीजिए, क्योंकि इस काम को करने के लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस? जब देखो तब मेरी मूछें तेरी मूछें मुच्छड़ कहेंगे। काम धाम तो कुछ होता नहीं, इतनी बॉडी बना ली। बहुत बोल दिया यार। मैंने पूरे घर को जंगे मरमर और आयतों से प्रोटेक्ट कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए अरमान के पास कोई भी बाहर से नहीं आ पाएगा। और अगर ऑलरेडी कोई अंदर हो तो?